नाम दिली नाटक करगी लोपा ना नरंग पुरिक पे इंजरे कतो पता मत ना चाहे या ना शीना इंजरे पता मत ना ना दर्चिया नता दिली नता कसे पा आई तगलवा खिन में कसे पा हो जरे तो मत लेकिन कसे पा रंग का फखर उमर वसीम की ना पुरिक पे इंजरे ना हमजा साहब लोग हमेशा टंशा ना हमजा जरे यार तुम लोग ब्रोपा है जरे ना हमजा जरे मैं ब्रोपा नहीं हूं मेरी भेड़ और इवन इनकी मुर्गी तक भी वहां रहते थे दोनों में और लोग भी यहां रहते थे और जब ये मकान आप लोग देख रहे हैं ना दरिदियन कमरा दी कस्पो बिल्डिंग पर बंद हो चुकी है दोनों अब बिल्डिंग पर दोनों दी बिल्डिंग पर लगा चस कमरा सुम म्यूजियम चस दे रहा जिसका नाम हमने म्यूजियम ऑफ मेमोरीज दिया था और हमारे साथ जो लड़की हेलेना जो फ्रांस से थी वो जब काम कर रही नचना दी का सामान उन साल सारा नचना बमोन बिंदुक स्टूल दे मिंदोक स्टूल भी हमें एक इतना पीस मिला जिस पे वो सिवी उसने लगा के और इनको रातों रात भागना पड़ा था पाकिस्तान दिया ना शोर है ना हिंदुस्तानी कब्जा सो दे हिंदुस्तानी कब्जा सो सना खून छह निशान गंगमा सो सना आर गेन पर बहुत दे रहा शायद मालिया में मेरा लाइक अलग अलग पाकिस्तान यूरोप में मैं 5-6 साल मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री किया इसी कल्चर पर तो ये चीज़ भी बहुत आप लोगों को मैं भी कह रहा हूँ अगर 100 बच्चा आप दोनों में इतना सटाना हो तो दे क्या पता कल आप में से 3 बच्चे हिस्ट्री से आप इंस्पायर करें कल्चर से आप लोग इंस्पिरेशन लोग करें तो आप लोग बुक्स लिखें आप लोग आर्टिकल्स लिखें आप लोग एक टूरिस्ट गाइड बने इसमें भी आपको अच्छा पैसा है इसमें भी आपका नाम है दिल्ली में था हिंदुमन विलेज लगे जो हिंदुमन जो गांव आप देखिए ये गांव म्यूजियम बंद अब यहाँ से रास्ता जी आज 27 सितंबर है तो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे तो हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री में हर स्टेट में हर लोकेशन पे हर टूरिस्ट स्पॉट पे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसलिए हमने भी ये चूज़ किया हमारा लास्ट गांव एलओसी पे तो एक तो हमारा ये रहेगा कि टूरिज्म प्रमोशन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट हो और दूसरी बात जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी पब्लिसिटी के लिए और उनके प्रमोशन के लिए उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या क्या ज़रूरत है तो इसलिए हमने कुछ स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट्स को भी हमने साथ लाया है इसलिए कि इस जगह की जो लोकेशन काफ़ी जैसे आप जानते हैं कि पॉपुलरिटी काफ़ी गेन कर रही है हंदुरमान हमारा जो एलओसी विलेज है यहाँ से हमारा बिल्कुल हमारा लास्ट विलेज हंदुरमान ब्रुक तो काफ़ी सालों से पॉपुलरिटी काफ़ी गेन कर रही है तो और पॉपुलर करने के लिए और इस जगह को एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया हमने ये चूज़ किया कि हम हंदुरमान जाएंगे और हंदुरमान में हम सेलिब्रेट करेंगे कुछ जो हमारे गर्ल स्टूडेंट्स यंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ लेके ताकि इस जगह की प्रमोशन हो तो अभी हमारे साथ है मिस्टर हमजा जो टूरिस्ट एक्सपोर्ट है यहाँ पे तो सर आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पे आज यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट करगिल की जानिब से यहाँ पे एक एक्सपोजर टूर यहाँ पे एलओसी हंदुरमान पे लाया गया तो हम टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे आज हमें लाया सारी दुनिया हर जगह पे वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रही है और हम भी वर्ल्ड टूरिज्म डे बड़े खुशी के साथ एक बॉर्डर विलेज पे मनाते हैं जो कारगिल पूरी हिंदुस्तान में मशहूर है हम लोग एक बॉर्डर से ये टूरिज्म मैसेज दे रहे हैं कि हम बॉर्डर पे भी बॉर्डर में हम टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहे हैं